अगर इस डर को पार करके समंदर पे गलत काम करने कोई उतरा है दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे देवरा के 12वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडियन नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी वर्जन में 7,65,00,000 का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 29,05,00,000 का कलेक्शन किया था, अपने पहले हफ्ते में 47,50,00,000 का, अपने दूसरे वीकेंड में 9,56,00,000 का कलेक्शन किया था। वही फिल्म ने अपने 11वें दिन यानी सोमवार के दिन में लगभग 1,34,00,000 का नेट कलेक्शन किया। इस फिल्म के 11 दिनों को टोटल हिंदी कलेक्शन 58,40,00,000 हो चुका है। तो ऑल इंडिया में इस फिल्म ने अपने पहले दिन 86,70,00,000 का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 171,80,00,000 का कलेक्शन किया था, अपने पहले हफ्ते में 229,82,00,000 का, अपने दूसरे वीकेंड में 29,65,00,000 का कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने अपने 11वें दिन में सोमवार के दिन में लगभग 4,90,00,000 का कलेक्शन किया, जिससे फिल्म के 11 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 264,37,00,000 हो चुका है। टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 315 करोड़ हो चुका है। फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 77 करोड़ का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म के 11 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 392 करोड़ हो चुका है। बात करें दोस्तों फिल्म के 12वें दिन की कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 12वें दिन में हिंदी वर्जन में लगभग 1.5 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली है, ऑल इंडिया में लगभग 4.5 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली है। आपको बता दूं कि फिल्म का थिएट्रिकल बजट लगभग 185 करोड़ है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट साबित हो चुकी है। वहीं बात करें दोस्तों फिल्म के IMDb रेटिंग की, तो फिल्म को 6.5 रेटिंग मिले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये फिल्म हिंदी वर्जन में 100 करोड़ का नेट कलेक्शन कर पाएगी या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा देता है कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।